पाव डुप्लेसिस अचानक बने चेन्नई सुपर किंग के कप्तान, आरसीबी को छोड़ येलो आर्मी में बल्ले से कहर बरपाते आएंगे नजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसके स्पोर्ट के कोने वीडियो में। तो दोस्तों क्या है आज की बड़ी अपडेट, बताएंगे सब कुछ वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप भी चेन्नई सुपर किंग टीम के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल में एक समय पर चेन्नई सुपर किंग के लिए बल्ले से धमाका करने वाले पाव डुप्लेसिस की फिर से सीएसके में वापसी हो रही है। ये खबर सुनकर फैंस को हैरानी हो सकती है, लेकिन जल्द ही ये अफ्रीकी दिग्गज क्रिकेट के मैदान पर कोहराम मचाते हुए नजर आने वाला है। उन्हें सिर्फ बल्ले के तौर पर नहीं बल्कि पाव डुप्लेसिस को चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी भी सौंपी गई है। क्या इसको लेकर फैंस जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं? दरअसल आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके ने अमेरिका में होने वाली एमएलसी लीग के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी आईपीएल फ्रेंचाइजियां पहले ही अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुके हैं। अब लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग का भी नाम शामिल हो गया है। सीएसके ने अपनी ही टीम के पूर्व खिलाड़ी पाव डुप्लेसिस को टेक्सास सुपर किंग्स की कप्तानी दे दी है। इस बारे में खुद शुक्रवार को फ्रेंचाइजी ने जानकारी दी। इसके साथ ही इस मेजर लीग क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग के लिए हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले अंबाती रायडू भी इस लीग के जरिए क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। दोस्तों एमएलसी लीग में चेन्नई ने ड्वेन बाउ, मिचेल सेंटनर, जेराल्ड क्रेजी, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर डेनियल सैम्स और डेविन कॉनवे भी अपनी टीम में शामिल किया गया है। टेक्सास सुपर किंग्स के कप्तान की भी घोषणा हो चुकी है। इससे जुड़ी एक शानदार वीडियो शेयर की गई है। इस वीडियो में एक फैंस का मेजर लीग क्रिकेट में मैन इन येलो के लिए पाव डुप्लेसिस की पीली जर्सी पहने देखने की इच्छा पर स्टार क्रिकेटर का जवाब दिखाया गया है। इस दौरान चैट पर बात करते हुए वो लिखते हैं कि जहां सुपर किंग्स होगी वहां उनकी मौजूदगी होगी। साथ ही वो वीडियो में टेक्सास के लिए विस्टल शब्द का इस्तेमाल करते हुए साफ सुने जा सकते हैं। टेक्सास सुपर किंग्स 14 जुलाई को टेक्सास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में लॉस एंजल्स लाइट